सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हिंदी चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और जो बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, साथ में अपने बैंक अकाउंट का जो मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे नंबर बताऊँगा जिससे कि आप जो है अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो ये नंबर जो है आपको एक ऐप के अंदर मिलने वाले हैं। ये जो नंबर मिलेंगे ये बिल्कुल जो है बैंक से रिलेटेड, यानी कि ये नंबर जो है बैंक के ही हैं। आपका चाहे अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप जो है बड़ी आसानी से उसका बैंक अकाउंट बैलेंस और साथ में मिनी स्टेटमेंट घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐप है और कैसे आप इसको यूज़ करना है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा और जहाँ पर सर्च करना होगा, मैं भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है जिसका नाम है बैंक बैलेंस इंक्वायरी। तो जैसे आप चेक करेंगे, जहाँ पे ये थर्ड नंबर वाली एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। बस इसी को इंस्टॉल करने का आपका जो है वो इंटरनेट लगेगा, बाकी आपके जो बैंक अकाउंट को चेक करने में, बैलेंस को चेक करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब कोई परमिशन मांगे आप इसे दे दीजिएगा। तो इसके बाद मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसमें वर्क करना है। तो मैं जहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा, जहाँ पे जो है वो आपके सभी बैंक जो है वो दिखाई देंगे। तो जिस भी बैंक में आपका जो है वो अकाउंट होगा, आपको सिंपली उसे यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो सिंपली पहले आपको मिस्ड कॉल बैलेंस चेक पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ में इंटरनेट बैंकिंग, तो वो आपको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि आप जो है फ्री में बैलेंस चेक करना चाहते हैं अपने अकाउंट का। तो आपको जो है ये नहीं करना है, ना ही आपको SMS बैंकिंग वाला करना है। आपको सिंपली ये ही करना है, मिस्ड कॉल बैलेंस चेक। तो जहाँ पे आपको सारे बैंक जो है वो दिखाई दे देंगे, तो लगभग सारे बैंक इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी अकाउंट में आपका जो है वो खाता होगा, आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। एक बात आप और बता दूँ मैं आपको कि आपको जो उसी फ़ोन अपने उसी मोबाइल नंबर से जो है वो यूज़ करना है जिसका जो आपका जो बैंक में रिलेटेड हो, यानी कि बैंक में से लिंक हो आपका जो मोबाइल नंबर। तो जहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना बैंक, तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे आपको जो है वो बैलेंस चेक करना है। तो मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो मैं जहाँ से आपको दिखा देता हूँ स्टेट बैंक, जहाँ पे आपको जैसे आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको जहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, बैलेंस बैंक, बैंक बैलेंस मिनी स्टेटमेंट और कस्टमर केयर नंबर। तो अगर आप बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हो सिंपली आपको इस पर प्रेस करना है, अगर मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो इस पर मैं आपको अभी मिनी स्टेटमेंट जो है वो चेक करके बताता हूँ। सिंपली आपको जो इस पर क्लिक करना है, कॉल करनी है सिर्फ। तो जैसे आप कॉल करेंगे, कॉल जो है वो इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं, सॉरी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त बता रहे हैं। तो बैलेंस बैंक बैलेंस वाले पे क्लिक करते हैं, तो बस इसी तरह से आपकी सिर्फ मिस कॉल जाएगी, एक और फोन कट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मेरे को मैसेज आ जाएगा। तो गाइज, मैं अपना जो है वो आपको अभी मैसेज दिखा देता हूँ जो कि मुझे आ चुका है। जो मैसेज आपको एक मिनट के अंदर आ जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे ओपन करके। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस क्या बता रहा है, और साथ में जहाँ पे पूरी डिटेल मेरे को बता दी गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। इस तरह से आप भी जो है वो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, इसमें पैसे सिर्फ आपके जो वो इसी के लगेंगे, कॉल के भी पैसे नहीं लगेंगे। इसमें आपको सिर्फ मिस कॉल ही करनी होगी, वो भी फ्री में हो जाएगा आपका सब कुछ। तो आप इस तरह से किसी भी अपने जो किसी भी फ़ोन में जो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, जो आपका जो बैंक से रिलेटेड होगा, यानी बैंक से आपका नंबर वो लिंक होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।